amazon.com आज आपसे इस बुलेटिन में हाथ जोड़कर एक गुजारिश कर रहा है। जिस इंदौर की जान पहचान अहिल्याबाई के कारण होती थी, आज के आधुनिक दौर में जिस इंदौर का लोहा पूरे देश और दुनिया ने मान लिया, क्योंकि हम सफाई में लगातार 3 बार नंबर 1 आकर सबको चौंका दिया था। अब कोरोना वायरस के बाद इंदौर में कल हुई टाटपट्टी बाकल की घटना ने हमें शर्मसार कर दिया। इंदौर की खूबसूरत तस्वीर पर एक कलंक लगा दिया। ये कलंक लगाने वाले भले ही किसी जाति वर्ग या विशेष के हों, इससे कोई मतलब नहीं। सवाल इस बात का है कि इंदौर सामाजिक संस्कार की राजधानी है, उस इंदौर को आखिर क्या हो गया है? समाज सेवा और जनसेवा के मामले में हम सबसे आगे रहते थे, आखिर क्या हो गया है इंदौर की जनता को, जो पहले जनता कर्फ्यू के दिन राजवाड़ा पर भीड़ जुटाकर हंगामा कर रही थी, जश्न के नाम पर भोंडा प्रदर्शन करती है। उसके बाद कल जब टाटपट्टी बाकल में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए डॉक्टर की टीम पहुंचती है, तो उस पर लोग पत्थर बरसाते हैं, डॉक्टर को मारते हैं। क्या हो गया इंदौर को, ये सब किसकी नज़र लग गई है? आखिर ये सोचने की बात है। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आप इंदौर के लोगों को जगाने और समझाने का काम करें। मैं मात्र 14 साल का एक रिपोर्टर इंदौर के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आप जो टीम जांच कर रही है उसका सहयोग करें। यदि आपको लगता है कि सर्दी खांसी हो रही है, गला खराब है, तो आप तत्काल चेकअप कराएं। यदि आपके आसपास कोई संदिग्ध कोरोना वायरस का मरीज है, तो उसकी सूचना जिला प्रशासन या डॉक्टरों को दें। घबराने की कोई बात नहीं है, कई मरीज लगातार इंदौर में अच्छे होते जा रहे हैं। बस आपको अपना फर्ज निभाना है कि आप यदि संदिग्ध कोरोना वायरस के मरीज है, तो तत्काल डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करा लें। इंदौर के कलेक्टर मरीज से लगातार कह रहे हैं कि सारे अस्पताल के नामों की सूची जारी कर दी है, कहाँ पर कौन सा डॉक्टर मिलेगा, अधिकारियों के नंबर भी जारी कर दिए हैं। उसके बाद भी आखिर क्या कारण है कि लोग आगे बढ़कर जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हम इंदौर को 14 अप्रैल तक भी कोरोना वायरस से मुक्त नहीं करना चाहते? क्या हम अपना मेलजोल से फिर नहीं बढ़ाना चाहते? क्या हम आपको आपका व्यापार शुरू नहीं करना चाहते हो? क्या हम इंदौर शहर में फिर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ नहीं कराना चाहते? आखिर इंदौर कब कोरोना वायरस से मुक्त होगा? यह सवाल उन लाखों लोगों के मन में है जो अपने घर में बैठकर अपने आप को सतर्क सुरक्षित रखे हुए हैं। शहर को कुछ लोग बदनाम करने में तुले हुए हैं। ऐसे लोगों को की चिंता करना छोड़ दीजिए, उनसे तो अब कलेक्टर मनीष सिंह ही निपटेंगे। उन्होंने आज एक बार मीडिया से चर्चा करते हुए गुस्से में यह तक कह दिया कि अब डॉक्टरों के साथ खराब व्यवहार और पथराव जैसी इकट्ठा करने वाले लोगों का वो हाल करेंगे कि वे जीवन भर याद रखेंगे। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने दावा किया है कि अब इंदौर में ऐसी घटना नहीं होगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने साफ कह दिया है कि हम एक एक मरीज की जाँच बिना कार्य चुप नहीं बैठेंगे। कोई भी मरीज, हम किसी भी मरीज को हम नहीं छोड़ेंगे, हम सब इलाज कराएंगे। जितना संदिग्ध लोग हैं उनकी लगातार जानकारी निकाली जा रही, एक एक संदिग्ध की जांच कराना ही पड़ेगी, और ऐसे लोग सहयोग नहीं करेंगे तो फिर वो जेल की हवा खाएंगे। gamasan.com आपसे अपील करता है कि आप अपने परिवार के खातिर, अपने समाज के खातिर, अपने देश के खातिर अपनी जाँच कराएं, प्रशासन का सहयोग करें। जो लोग संदिग्ध होने के बावजूद छिपे हुए, वो किसी और को धोखा नहीं, वो अपने आप को धोखा दे रहे। प्लीज आप आगे आएं और इंदौर को कोरोना वायरस से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन की मदद करें। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।